उत्तर भारत समेत देश भर के इन राज्यों में बारिश के आसार हैं। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और उससे लगे दक्षिणी पाकिस्तान पर बना हुआ है। वहीं एक और भी ताजा पश्चिमी क्षोभ 4 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पहुंचने की संभावना है, जिसके चलते भी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी क्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बदलाव और तापमान उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से पश्चिमी क्षोभ सक्रिय होने से हल्की बर्फबारी और बारिश भी हो रही है। 2 मार्च को जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों सहित निचले इलाकों में भी ओलावृष्टि की संभावना है। पंजाब और पंजाब से सटे हरियाणा के हिस्सों में और उत्तरी राजस्थान में हल्की बारिश और तेज गति की हवाओं के साथ गरज चमक के साथ एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों की संभावना भी बन रही है। 2 मार्च को भी पंजाब, उत्तरी हरियाणा के हिस्सों में विशेषकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी, सोहना, तावडू, नूह, मेवात, पलवल, चंडीगढ़, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। NCR और दिल्ली के आसपास में भी कुछ इलाकों में बादलवाही के साथ में हल्की बारिश की संभावना दिख रही है। एक और पश्चिमी क्षोभ सक्रिय होगा जो कि 4 मार्च को सक्रिय होगा, जिसकी वजह से भी हरियाणा, दिल्ली, NCR में सीमित स्थानों पर तेज गति की हवाओं के साथ छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना बन रही है। राजस्थान राज्य के भी उदयपुर और कोटा संभाग में हल्की बारिश की उम्मीद है। 4 मार्च को उदयपुर कोटा संभाग में एक सिस्टम के सक्रिय होने के चलते बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इसी दौरान उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, कोटा, बारा और झालावाड़ जिलों में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है। कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसी समय धूलभरी हवाएं भी चल सकती हैं। गुजरात राज्य में भी बेमौसम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 3 से लेकर के 5 मार्च के बीच हल्की बारिश की उम्मीद है। 4 मार्च को बारिश सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है। हालांकि बारिश हल्की होगी और अलग अलग स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान में एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा। इसके साथ ही हवा के पैटर्न में बदलाव देखा जाएगा और संभवतः गुजरात के ऊपर एक कमजोर सर्कुलेशन बन सकता है, जिसके चलते ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। वहीं दक्षिणी तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, असम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है।